सो एलेवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो ये जो दो नॉर्मल सी चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये दो नॉर्मल कीज हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये आपके सामने किया कैरेंस, ये इसका प्रीमियम वेरिएंट है जो कि बेस वेरिएंट है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिल जाती हैं 2024 के अंदर, अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो वीडियो आप ही के लिए, देखते रहना। अब ये इसका बेस वेरियंट आपको क्या क्या ऑफर कर देता है। सबसे पहली चीज़ इसका प्राइस, ये आपको कॉस्ट करती है 10,44,000 रुपये, 10.44 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे इसके अंदर डिसेंट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एक्सटीरियर तो देखो नहीं आता है इसके अंदर, बाकी स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं एक बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे इस गाड़ी के अंदर दी हुई हैं। अब इसका बेस वेरिएंट आपको क्या क्या ऑफर करता है उनके एक एक करके बातचीत करते हैं। ऑन रोड प्राइस में आपको बताऊँ इसका लमसम तो 12 लाख के नीचे नीचे कहीं आपको ऑन रोड भी पड़ जाएगी। दिल्ली फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, अपना स्टेट टू स्टेट भी चीज़ डिपेंड कर सकती है कि आपके स्टेट में किस हिसाब से आपको उसकी कॉस्टिंग मिलती है, डिस्काउंट वगैरह क्या लेते हो आप या फिर क्या ऑफर वहाँ पे आपको मिल जाता है, उन पे भी चीज़ डिपेंड करती है। अभी इसके बेस वेरिएंट में फीचर्स की काउंटिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ नॉर्मल सी की आती है, इसके अंदर कोई सेंटर लॉकिंग नहीं है, वो चीज़ आपको करानी पड़ेगी। इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो डिसेंट सी चीज़ है, वो आप करा लेना भाई, अच्छा लगता है बार बार मतलब इसे गाड़ी को लॉक अनलॉक करना, वो चीज़ मतलब इतनी कन्वीनियंट नहीं है जितना वो सेंटर लॉकिंग होती है, तो वो चीज़ आप करा लेना। बाकी सिंपल कीज़ आती हैं कुछ इस तरीके की, इनको भी रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये हैं इसकी डायमेंशन वगैरह, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये, और आगे बढ़ें। सो यहाँ पे इसका जो फ्रंट फेशिया है इसके बारे में बंदे बहुत कमेंट करते हैं भाई, आप मुझे कमेंट करके पर्सनली ये चीज़ें शेयर करो कि इसमें आपको दिक्कत क्या लगती है, मतलब पूरा कनेक्टेड है ये, वैसे तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे लगती नहीं है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो बताना, यहाँ पर मिलता क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल से यहाँ पे आपको सेटअप देखने के लिए मिलता है, ये इसकी कोई DRS नहीं है, इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एक डिज़ाइन एलिमेंट है इसका। नीचे हैलोजन बेस हेडलैम्प्स आते हैं जो कि आपको येलो लाइट ऑफर करेंगे, पार्किंग बल्ब इन्हीं के अंदर है और ऐसे ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। नीचे कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते हैं, जो आपने देखा होगा इधर की साइड यहाँ पे आते हैं वो भी यहाँ पे नहीं आते हैं। ये ग्लॉसी सा पैनल है जो कि इस हेडलैम्प यूनिट को उस हेडलैम्प यूनिट तक प्रॉपर कनेक्ट करता है। अब कुछ बंदे इसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं इसको, मतलब बताना मुझे पर्सनली क्या है आपके ओपिनियंस, अच्छी लगती है तो क्यों लगती है, नहीं लगती है तो रीज़न क्या है उसका, वो मुझे बताओ साहब, ताकि समझ में तो आए कि हाँ भाई क्या चीज़ आगे से हम भी मतलब ऐसे फ्रंट फुट पे रखें। तो ये चीज़ है, बाकी यहाँ पे अच्छा खासा एरिया इसको मिल जाता है एयर इनटेक के लिए, ये आप देख सकते हो। ये सिल्वर कलर के इसके लिप्स भी आपको दिए हुए हैं, ये यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी और साइड में आता है, तो क्लैडिंग वगैरह अच्छी खासी दी हुई है, रेशियो अच्छा है और जिस तरीके से फिटिंग की गई है वो चीज़ भी अच्छी है। यहाँ फेंडर पे है इसका इंडिकेटर और ORVMs अपने क्लीन हैं, तो एक इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बेस वेरिएंट ही है। बाकी नीचे एक साइड आते हैं तो यहाँ पे ये व्हील कैप्स आते हैं इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही कुछ इस तरीके के, यहाँ पे आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती हैं। और जो टायर्स हैं फिलहाल यहाँ पे वो हैं JK के, और जिनका सेक्शन है वो है 195/65 R15, 15 इंच के स्टील व्हील्स हैं ये, और ये आप खुद देख सकते हो इस तरीके के हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 195 mm की बहुत बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर देती है। अपना बॉडी कलर ORVM से मैंने आपको बता दिया, प्लेन विंडोज़ हैं, ये पिलर जो है मैट ब्लैक है। अगर ऐसे साइड से देखोगे ना तो आपको बेस मॉडल लगेगी नहीं गाड़ी है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक अच्छा स्टांस देती हैं इसको, जैसे कि पिलर्स वगैरह जो हैं मैट ब्लैक कर दिए कंपनी ने, इनकी वजह से खाली खाली सी लगती है ये। सो ये चीज़ यहाँ पे है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स दे दिए हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। काफ़ी बड़े बड़े से यहाँ पे ग्लास एरिया आपको दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े से डोर पैनल्स मिलते हैं यहाँ पे, क्वार्टर पैनल भी आप देखोगे, क्वार्टर पैनल नहीं है बेसिकली, पीछे जो बंदे बैठते हैं उनके लिए प्रॉपर ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड से चलता है गाड़ी के अंदर पेट्रोल, और पीछे की साइड आते हैं तो ये पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, ये जलते नहीं है पूरे, जलता बस ये वाला पार्ट है इसका, और ये भी हैलोजन बेस ही जलता है, इसके अंदर बल्ब दिया हुआ है और ये सब कुछ हैलोजन है बट कनेक्टेड दिए हुए हैं, तो एक अच्छी सी मतलब एक वाइब देती है पीछे की साइड से, अच्छी लगती है देखने में। अपने ओपिनियन जरूर बताना क्योंकि इस गाड़ी के बारे में भाई बहुत कॉमेंट आती है, बताना मुझे कॉमेंट्स में। बाकी यहाँ पे स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर तो नहीं है, एक नॉर्मल एंटेना आएगा यहाँ पे, कैरेंस यहाँ पे मैंशन है, किया यहाँ पे मैंशन है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई, कैमरा वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे, और मैट ब्लैक बम्पर है, एकदम मैट ब्लैक, मतलब मेजोरिटी पार्ट जो है वो बम्पर का ब्लैक है। नीचे साइड से आप देख सकते हो, बस ये वाला जो साइड कॉर्नर है ये बॉडी कलर है, बाकी पूरा का पूरा ब्लैक है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3, 4 वहाँ पे टोंगो की प्लेसमेंट इधर की साइड दी हुई है, और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा गाड़ी के नीचे ही। बूट के यहाँ पे बातचीत करें तो लो जी ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेस वेरिएंट के अंदर, आपको मैग्नेटिक बटन मिल जाती है जिसे दबा के अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। 216 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस रहती है अगर आप सीट यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो फिर तो आप देख लो डबल से भी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाती है ये।
तो ये अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से है, आराम से एक छोटा सा गद्दा डाल के आप बढ़िया रेस्ट करके यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे भी टाइप सी है, उधर की साइड भी टाइप सी है बेस वेरिएंट के अंदर, और ये आप देख सकते हैं 50-50 का ऑप्शन है यहाँ पे। और जो स्पेस है थोड़ी सी यहाँ नीचे की साइड भी आपको मिल जाती है, टूल किट वगैरह रखी हुई बेसिकली यहाँ पे। सो ये हैं सारी चीज़ें, अभी इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ और बेस वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं उनकी भी बातचीत करते हैं। तो ये लो जी, काफ़ी हैवी से डोर पैनल हैं, वाइब जो है गाड़ी की अच्छी है, और एक स्टीरियो की कमी मुझे यहाँ पे लगी बस, बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि चारों पार विंडोज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं, ORM से आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, और ये मैनुअली कुछ इस तरीके से स्टिक के थ्रू एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो ही अपना शेड्स अच्छी खासी दी हुई हैं, ब्लैक है, थोड़ी ब्लू शेड है, ये सिल्वर फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, पूरा बेज डोर पैनल है। यहाँ पे लेआउट्स मिल जाते हैं स्पीकर के लिए, बोतल होल्डर वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और सीट्स की बात करें तो 6-way मैनुअल एडजस्टेड आपको सीट मिल जाती है, और यहाँ पे एयरबैग के टैग्स आपको दिए हुए हैं अच्छे खासे। यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने का लेवर है, नीचे बोनट खोलने का लेवर है, एडल स्टार्ट स्टॉप है, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन, लाइट लेवलिंग डायल, नीचे 3 पैडल्स हैं, और यहाँ पे डेड पैडल के लिए भी अलग से प्लेसमेंट दी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं इन्हीं की बातचीत कर रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट तो छोड़ दिया गया है इन सब चीज़ों को, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये आपको मिलती हैं बेस मॉडल में भी। अभी अंदर चलें और इसको लगा लेते हैं, और अभी आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ इसके बारे में जो शायद आपको पसंद आएंगी। ये यूनिट खाली मिलती है आपको, ये आपको कुछ कराना पड़ेगा यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आपका मन करे और जैसा आपका मन करे वो आप लगवा सकते हो। इसको मैं ऑन कर देता हूँ एक बार, यहाँ से डाली चाबी, इसको मैं एक बार घुमाऊँगा, स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आता नहीं है, तो ऑन वगैरह तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। सेकेंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये लो, ये देखो आप, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से है। बेस वेरिएंट में आपको एक डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है, नंबर्स अच्छे हैं, विजिबल है, इन्फॉर्मेशन आपको सब डिजिटल फॉर्म में मिलती हैं, और एक बेसिक क्लस्टर से थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आपको ऑफर करा देती है गाड़ी, और इसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, TPMS वगैरह भी यहाँ पे है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है सब यहाँ पे आपको मिलती है। इधर साइड फ्यूल है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ जाते अपने वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो ये फ्लैट बॉटम तो नहीं है, है तो राउंड, बट ठीक है, काफ़ी हैंडी सी फीलिंग है कि यहाँ पे मेंशन है, एयरबैग के यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, 6 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इस MID के कंट्रोल्स आपको दिए हुए, एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है बेस वेरियंट के अंदर, बट ये आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं दी हुई है। तो ये हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर फॉर्म भी दी हुई है। तो गाड़ी के अंदर ना बेस वेरिएंट तो है, बट ट्रिम्स को लेके भी मतलब वो वाली वाइब नहीं है जो एक बेस वेरिएंट के अंदर होनी चाहिए। जैसा खाली खाली सकता है ना, सारी चीज़ें डल लगती हैं, एकदम ब्लैक ब्लैक दे दिया, तो कुछ ऐसा सा कुछ है नहीं इसके अंदर। वैसे ट्रिम्स अच्छी खासी दी हुई हैं, ये दिखाता हूँ एक सेकंड में। ऊपर साइड से हेडलाइनर आप देख लो, थोड़ा सा ग्रेज फॉर्म में है, अच्छी खासी लाइट आती है, अच्छा खासा ग्लो बना रहता है गाड़ी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर है बेस वेरिएंट के अंदर। अगेन सीट बेल्ट रिमाइंडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, येलो कलर की रीडिंग लाइट कुछ ऐसी आती है, सनग्लास होल्डर भी आपको दिया हुआ है, ये बढ़िया एकदम। और यहाँ पे एक मैनुअल डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। इधर एक साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको दी हुई है, और ये है डैशबोर्ड का व्यू, शानदार सा बढ़िया सा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोटेनमेंट सिस्टम को छोड़ के बाकी लेआउट जो है काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई कमी यहाँ पे नहीं है। AC वेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, हेजर लाइट की बटन है, मैनुअल AC आता है, AC कंट्रोल्स कुछ ऐसे यहाँ पे मिलते हैं, और ये हैं और कुछ कंट्रोल्स, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है आपको, एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, एक टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे अपना कप होल्डर्स दिए हुए हैं, हैंड ब्रेक है, और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है आर्मरेस्ट के नीचे भी। तो ये है जी सारी चीज़ें। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो ये देखो कुछ इतनी स्पेस दी हुई है, मतलब पेपर वर्क भी आ जाएगा आपका, और थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी आप यहाँ पे अपना रख सकते हो। सो ये हैं जी सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। और अभी चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, पीछे क्या कंट्रोल है और क्या कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर, उस सब की बातचीत कर लेते हैं। सो अभी चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, और पीछे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनकी बातचीत करता हूँ। ये देखो भाई, कर्टन आपको दिया हुआ है यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर, जो कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। ये देख लो, बेस वेरिएंट से आपको कंपनी फिटेड कर्टन दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारी चीज़ें सेम है, पावर विंडो कंट्रोल है, लेआउट्स आपको मिल जाते हैं स्पीकर के लिए, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बोतल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, सीट्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की यहाँ पे दी हुई हैं, और ये आप देख सकते हो फैब्रिक सीट्स नहीं है भाई, बाकी लीवर्स वगैरह दिए हैं सीट्स के एडजस्टमेंट के लिए। अभी अंदर चलते हैं, अंदर से बैठ के आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी अपनी मेनली स्पेस के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो स्पेस किस तरीके से है इसके अंदर वो आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, सीट पीछे हो चुकी है, और एक नंबर थर्ड आती है,
पहली चीज़, स्पेस में कोई कमी नहीं है, ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है ऑलमोस्ट, ये आप देख सकते हो कितना लेग रूम है मेरे पास। थाई रूम में मुझे 1% कोई इशू नहीं है, हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना है मेरे पास, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और मेनली ये वाली सीट जो है ये है पीछे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बटन दी हुई है, जैसे आप एक बार दबा दोगे तो सीट पूरी एक बार में ट्रम्बल हो जाती है, आपको सिंगल मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है और कुछ भी दूसरा कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस जस्ट आपको बटन टैप करनी है ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाती है। सो ये वो मैकेनिज्म इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी ये आगे पीछे स्लाइड वगैरह जो है हो जाती है। ये रेयर एसी वेंट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, पीछे भी दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अपना स्पेस वगैरह मिल जाती है, पॉकेट मिलती है दोनों ही सीट्स पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टेड हेडरेस्ट आएंगे गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो 60-40 का ऑप्शन तो खैर है ही, बाकी ये बीच में जो आप चीज़ देख रहे हो ये आर्म रेस्ट भी है, और अगर कोई बंदा यूज़ नहीं कर रहा तो आप इसको मतलब आर्म रेस्ट तरह यूज़ कर सकते हो, बाकी अगर यहाँ पे कोई है तो कुछ इस तरीके से अंदर की साइड पूरा फोल्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम्प ना बराबर है, 3 बंदे बड़े इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं, रूफ माउंटेड एसी वेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे लाइट मिलती है बीच वाली रो के लिए, थर्ड रो के लिए, मतलब हर रो के लिए यहाँ पे लाइट मिल जाती है। और ये है डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे 1, 2 और 3 ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, कुछ हैंग करना हो आपको तो ये चीज़ है। और ये एसी वेंट्स बिल्कुल हर बंदे के ऊपर दिए हुए हैं, ये देख सकते हो आप, और यही है सारी चीज़ें। कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अब इसका इंजन भी आपको दिखा देता हूँ कि इंजन भी किस तरीके का दिया हुआ है और क्या पावर फिगर से आपको डेवलप करके दे देती है गाड़ी। सो बात करें गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको नहीं मिलती है, और ऐसा मुझे लगता नहीं उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंजन जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। ये आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है 113 BHP, 144 Nm का टॉर्क और 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 17.9 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और ये आपके सामने शानदार सा इंजन बे, बैटरी प्लेसमेंट, फ्यूल बॉक्स वगैरह, कूलेंट यहाँ से डलेगा, जहाँ से डलेगा वाइपर फ्लूइड, और ये अपना ब्रेक ऑयल वगैरह कुछ इस तरीके से हैं सारी चीज़ें। और एक सेकंड इसको कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये आपके सामने 2024 किया कैरेंस प्रीमियम, मतलब कि बेस वेरिएंट। और इस गाड़ी के अंदर मुझे सिर्फ दो चीज़ों की कमी लगी, एक इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा इसके अंदर सेंटर लॉकिंग। तो ये दो मेन चीज़ थी जो मतलब चाहिए ही चाहिए गाड़ी के अंदर, बिना इंफोटेनमेंट सिस्टम के बोर हो जाओगे, और ये चीज़ थोड़ी कन्वीनियंट नहीं लगती है, बस ये दो चीज़ें मुझे लगी। बाकी गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, जो इसकी ट्रिम्स हैं, जितनी भी चीज़ें गाड़ी के अंदर हैं वो मुझे माइंड ब्लोइंग लगी। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी है साइज़ में, और मतलब कोई कॉस्ट कटिंग जैसी जो चीज़ होती है ना वो इतना कंपनी ने इसके अंदर की नहीं है, काफ़ी फॉर मनी सा वेरिएंट मुझे लगा अगर आप बेस वेरिएंट के हिसाब से उसको कंसीडर करते हो। 12 लाख के अंदर अंदर इतनी बड़ी एक MUV मेरे हिसाब से वर्थ इट है। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इस गाड़ी के बारे में, कोई ओन करता है तो इस गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स क्या है प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि कोई प्रोग्राम कर रहा हो गाड़ी तो थोड़ा मतलब आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने में। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।